बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हफीजा गबन, बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन खबर के साथ। सबसे पहले मशहूर हेडलाइंस। सूबाई वज़ीर दाखिला ने क्वेटा के इलाके कुशला के करीब एएनपी के मर्जी से आमा के जनरल सेक्रेटरी के एक वक्त का नोटिस ले लिया। बलूचिस्तान असेंबली में मुतहदा अपोजिशन ने मुकदमा वापस लेने की हुकूमती पेशकश को मुस्तरद कर दिया। मौजूदा बजट अवाम पर पोशीदा पहाड़ बजट से कम नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर का दावा। गुज़िश्ता एक साल के दौरान 124 लापता अफराद बाज़याब करा लिए गए, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दावा। बलूचिस्तान के पास सलाहियत नौजवान किसी भी शोबे में आला कारकर्दगी नुमाइंदगी पर भरपूर अंदाज में कुदरत रखते हैं। नकल एक नासूर है जो हमारे तलबा के जहन को दीमक की तरह चाक कर खोखला कर रहा है, चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्वेटा का दावा। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, मजीद 223 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। कस्टम के हमले ने एफबीआर से मिलने वाले अहदाफ को बखूबी अबूर किया है, मॉडल कलेक्ट्रेट कस्टम क्वेटा के कलेक्टर का दावा। मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर ने बलूचिस्तान की कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान रोड हादसा के आदाद शुमार जारी कर दिए। अब खबरें तफसील के साथ। सूबाई वज़ीर दाखिला मिर्ज़ाउल आलम ने क्वेटा के इलाके कुशला के करीब एएनपी के मर्जी से आमा के जनरल सेक्रेटरी उबैदुल्लाह कासी के अगवा के वाके का नोटिस लेते हुए आईजी बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली है और मगवी की बाहिफाजत बाजियाबी की हिदायत की है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि मगवी को जल्द अज जल्द बाजियाब करके अगवा में मुलविस अनासर को जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। बलूचिस्तान असेंबली में मुतहदा अपोजिशन ने मुकदमा वापस लेने की हुकूमती पेशकश को मुस्तरद करते हुए हुकूमत के खात्मे के लिए तहरीक को मजीद तेज करने का ऐलान करते हुए कहा कि गिरफ्तारियां दिए बगैर थाने से नहीं जाएंगे। आधे असेंबली मेंबरान पुलिस थाने में बैठी हुई है, ना अहल हुकूमत 200 बिलियन रुपये खर्च ना कर सके। गुरबत की शरह 79% तक पहुँच गई है, जबकि शरह ख्वानगी भी जवाल पजीर हो रही है। गुरबत इंतहा को पहुँच चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर मीर चंगेज़ खान जमाली और साबिक सूबाई वजीर मीर मोहम्मद सादिक उमरानी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। मौजूदा बजट अवाम पर पोशीदा पहाड़ बजट से कम नहीं है, पोशीदा टैक्सेस आयद करके अवाम को महंगाई तले दबाया जा रहा है। अवाम इस कठपुतली हुकूमत से बेजार आ चुकी है और अब इनसे कोई भी उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। अवाम को शेख चिली के ख्वाब से मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान में अपोजिशन सरापा एहतजाज और कैद बंद है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान चैप्टर के वाइस चेयरमैन हबीब ताहिर एडवोकेट ने कहा है कि साल 2011 से अब तक हमें 537 अफराद के केसेस मौसूल हुए हैं। गुज़िश्ता एक साल के दौरान 124 लापता अफराद बाजियाब हुए हैं। कोरोना के आलमी वबा के दौरान लॉकडाउन के बायस 360,000 मेहनत कश मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। गुज़िश्ता एक साल के दौरान कानों में पेश आने वाले अफसोसनाक वाकयात में 134 कानपुर मौत के आगोश में चले गए हैं। पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान किसी भी शोबे में आला कारकर्दगी नुमाइंदगी पर भरपूर अंदाज में कुदरत रखते हैं, जिसकी हालिया मिसाल नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की जानब से मुल्क भर से शरीक 1100 फिल्मों में पहली पोजीशन हासिल करने वाले नसीर रिंद, दीगर कैटेगरीज में 10वीं और 11वीं पोजीशन हासिल करने वाले इरफान नूर और आमिर खान मिलीज ही हैं। चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्वेटा प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ बलोच ने कहा है कि नकल एक नासूर है जो हमारे तलबा के जहनों को दीमक की तरह चाटकर खोखला कर रहा है। नकल के खात्मे के लिए बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्वेटा और महकमा तालीम भरपूर कोशिशें कर रही है। इम्तहान में शरीक तलबा ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 6 उम्मीदवारों के पर्चे कैंसिल कर दिए हैं, जबकि सुपरिटेंडेंट समेत इम्तिहानी अमले को वार्निंग जारी कर दी गई है। चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्वेटा प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ बलोच ने कहा है कि नकल एक नासूर है जो हमारे तलबा के जहनों को दीमक की तरह चाटकर खोखला कर रहा है। नकल के खात्मे के लिए बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्वेटा और महकमा तालीम भरपूर कोशिशें कर रही है। इम्तिहान में शरीक तलबा ने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की, जिस पर 6 उम्मीदवारों के पर्चे कैंसिल कर दिए गए, जबकि सुपरिटेंडेंट समेत इम्तिहानी अमले को वार्निंग भी जारी कर दी गई है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, मजीद 223 पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार करके पाक ईरान के सरहदी शहर तफ्तान में राहदारी गेट के मकाम पर लेविस इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार पाकिस्तानियों में पंजाब से 158, खैबर पख्तूनख्वा से 20, सिंध से 8 और आज़ाद कश्मीर से 10 शामिल हैं।
इसके अलावा 6 बंदे जिनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं थे उन्हें राहदारी गेट के इंचार्ज मीर इलाही बख्श नौतजई ने वापस ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले कर दिया। मॉडल कलेक्ट्रेट कस्टम क्वेटा के कलेक्टर इरफान जावेद ने कहा है कि कस्टम के हमले ने एफबीआर से मिलने वाले अहदाफ को बखूबी अबूर करते हुए अब तक 12 अरब रुपए से ज्यादा मालियात का गैर मुल्की सामान कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा 1509 कस्टम पैड गाड़ियाँ, 42 लाख लीटर ईरानी डीजल, 26 करोड़ का गुटखा, 7 करोड़ की अदवियात, 13 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, 16 करोड़ का स्क्रैप कंबल और कारपेट, 108 बिलियन जबकि 1676 मेट्रिक टन मंगू अशिया, 70,000 टायर, 574 मेट्रिक टन कपड़ा, 30 करोड़ के ऑटो पार्ट्स कब्जे में लिए। इस साल अब तक 1137 बिलियन का सामान नीलाम किया गया है। मेडिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर 112 ने बलूचिस्तान की कमी शाहराहों पर गुज़िश्ता 2 हफ्तों के रोड हादसा के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। मेडिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर की जानब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक जोग मस्तूम लग पास से लेकर हब बेला तक जून के आखिरी 2 हफ्तों में 380 हादसा हुए हैं जिनमें 508 अफराद जख्मी और 10 मुसाफिर जान बहक हो गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.fashion.com.pk।